नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। आइए आपको लिए चलते हैं सीधे भरगमा थाना क्षेत्र के नया भरगमा पंचायत के वार्ड नंबर 11 में। गुरुवार रात करीब 10 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई है, जिसमें लाखों रुपए मूल्य के सामान जल के राख हो गई है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार के रात करीब 10 बजे मौलाना सिराज साहब के घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग जाती है, जिसमें तकरीबन 1,00,000 से ऊपर की संपत्ति स्वाहा हो गई है। पीड़ित परिवार ने बताया, कुछ दिनों में ही हम एक मकान को ढलाई करने वाले हैं, जिसका सामग्री भी हम ले आए हैं, और इसी वजह से इन सारे घरों का सामान एक ही घर में डाल के रखे थे, जिसमें शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। जब तक कि आम लोग आते, तब तक घर का सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। इस संदर्भ में स्थानीय मुखिया परवेज आलम ने कहा कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, घर ढलाई के वजह से सारा सामान एक ही घर में था, उसी घर में आग लग गई थी। इधर अपना अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव असलम बेग ने पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा देने की बात की है, लेकिन सवाल बनता है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन आज तक इन क्षेत्रों में अग्निशामक केंद्र का निर्माण नहीं हुआ और ना ही सरकार इस पे सोच रही है और ना ही कोई भी व्यक्ति इसका आवाज़ उठा रहा है। सरकार को चाहिए कि इन 7 पंचायतों में एक अग्निशामक केंद्र दे, ताकि कोई भी घटना होने से पहले उस घटना को समाप्त कर दिया जाए। आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। मौलाना सिराज साहब नया भरगमा वार्ड नंबर 3 के घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गया। मैं पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, साथ ही प्रशासन से मांग करता हूँ कि वो उन पर उनको मुआवजा दे और उनका घर पुनर्स्थापित हो सके। असलम बेग, राष्ट्रीय महासचिव अपना अधिकार पार्टी।